इस पेज को देखिए, समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। इसमें मैं है कि 0 से 2 पाई है, तो आप सोच रहे हैं 0 से 2 पाई यानी 0, और वहां पे थीटा है, डी थीटा है, तो थीटा का मतलब हो गया कि थीटा 0 से लेके थीटा जाएगा। वो सर्किल हमने सपोज किया है, जेड इज इक्वल टू दी 1 है, ये अपनी तरफ से सपोज करना पड़ेगा। जब हम सर्किल मॉड ऑफ जेड इज 1 सपोज करेंगे तो उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था जब हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूनिट शुरुआत किया था कि कैसे हम पोल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पोल में कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू दी e की पावर i थीटा हो जाएगा। उसी को जब हम कार्टेशियन में लिखेंगे तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू दी 1। तो इस पूरे पेज को देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, और नहीं है तो भी बता दीजिए, तो हम आगे बताएं। आगे बताइए। ठीक, गुड। अब उसकी वैल्यू तो निकाल ही लिया था, माइनस आई बाई 4। अब लिख देंगे देयरफॉर इंटीग्रल 2 आई अपॉन 3 जेड स्क्वायर माइनस 10 जेड प्लस 3 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यूज एट द पोल विद इन सी। तो उसके अंदर एक ही रेसिड्यू है, माइनस आई बाई 4 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, और 2 से कैंसिल होके पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल आप समझिए, हमको बताइए। अरे तोबा, माइक म्यूट कीजिए, तोबा तोबा भी है। अब इसी तरीके से हम तो नहीं कहते थे रवि साई कुटु का फॉर्म डालो ना, चाहे डालो मत डालो। तौबा, माइक म्यूट कीजिए तौबा। सर वो क्लास ऑन करके बातें कर रही है आई थिंक। अरे भैया सुभान, इसका माइक म्यूट कर कीजिए। सर हो नहीं रहा, हम ट्राई कर रहे हैं सर, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं, हमसे भी नहीं हो रहा, मैं तो माइक म्यूट ही कर देता। सर हो ही नहीं रहा है, तुम कैसे यार होस्ट बनाए हैं तुमको। सर हम ट्राई कर रहे हैं, सर हम ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा, 3-4 बार दबाते हैं। चलिए ठीक ठीक ठीक, हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वैसे ही है, लिखा है इंटीग्रल 0 से 2 पाई 1 अपॉन 5 माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का जब हम एक्सपोनेंशियल में फार्मूला लिखेंगे, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई। तो जेड क्या है, जेड है आपका ई की पावर आई थीटा, तो डी जेड क्या हो जाएगा आपका आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, और इसको आप कॉपी में करिए, और इसके जो फैक्टर बनेंगे ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल माइनस डी जेड अपॉन टू जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस टू आई। तो एक पोल होगा जेड इज इक्वल टू दी टू आई, और दूसरा पोल होगा जेड इज इक्वल टू दी आई अपॉन टू। तो जेड इज इक्वल टू दी टू आई का मतलब हो गया इसकी रेडियस क्या है, 2 है, तो ये तो बाहर हो गया है, लेकिन जेड इज इक्वल आई बाई 2 ये अंदर है, क्योंकि इसकी रेडियस 1 से कम है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे देयरफॉर रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू दी आई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट z टेंड्स टू आई बाई 2 z माइनस आई बाई 2, और ये लिख देंगे एफ जेड, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन 3 आई। तो आप लोग कॉपी पेन लीजिए और इसको पूरा सॉल्व करिए, देखिए इतना आता है, सभी लोग कीजिए 2 मिनट में 5 मिनट में करिए। सर किसको, यही सामने जो लिखा है। अच्छा, कौन से निकालना है ना सर, बस मेरे भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हमने तो किया है, लेकिन अपने आप भी कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के, जहां पे दिक्कत हो तो इससे देख लीजिए।
क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है वो अपने आप जब हाथों से लगाएंगे तभी समझ में आएगा। और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। हल्का सा भी अगर आपको नहीं समझ में आता है देन प्लीज आस्क मी। लेकिन इसको अपने आप जरा करिए यहीं पे। जिसका हो जाए रेसिड्यू तक तो हमको बताइएगा। और कोई भी लाइन ना समझ में आए वो भी पूछ लीजिएगा। और Z is equal to the 2i, ये आपका सर्किल से बाहर है क्योंकि 2i जो है, 2i का मतलब ये हो गया है कि ये y एक्सिस पे है 2 यूनिट पर, और जबकि यानी रेडियस की 2 है और उसकी रेडियस 1 है मॉड Z is 1, तो ये 2 तो बाहर ही हो जाएगा इसलिए इसका हम रेसिड्यू नहीं निकालेंगे। सर हो गया, यही आया है ना? यस सर। गुड। अरे जहां पे ये ग्रीन आपने स्केच लगाया है जिसने, यहां पे क्या है इसको ओपन करिए, इसका एलसीएम लीजिए। यस सर हो गया। हो जाएगा, आसान है भाई, करना जो है दिक्कत है, देख लीजिए आराम से।
तब तो होना ही चाहिए। खैर आज आते हैं इसके आगे, ध्यान रखिएगा इस पेज को। तो अब लिखेंगे यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम, क्या होता है इंटीग्रल सी वन अपॉन फाइव जेड आई माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस टू डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आई और सम ऑफ द रेसिड्यूज, तो उसमें तो एक ही है वन अपॉन थ्री आई, इसलिए कैंसिल होके आपका आ जाएगा टू अपॉन थ्री पाई। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए और चौथा वाला होमवर्क के लिए है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल जीरो से टू पाई कॉस थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा कॉस थ्री थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आया है, कॉस थ्री थीटा आया है, तो इसलिए उसको चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल में, लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ ई की पावर थ्री आई थीटा, क्योंकि e की पावर थ्री आई थीटा क्या होता है, साइन थ्री थीटा प्लस आई कॉस थ्री थीटा प्लस आई साइन थ्री थीटा, तो कॉस थ्री थीटा क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया है, इसलिए उसको चेंज कर दिया और नीचे वैसे रहेगा। कॉस थीटा क्या होता है, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू, टू टू कैंसिल होके वहां पे फोर था तो टू आ गया है। फिर इसके बाद फिर वही लिखेंगे पुट जेड इज इक्वल टू दी ई की पावर आई थीटा, इसका मतलब है इसकी रेडियस वन है और इसका कार्टेशियन फॉर्म में जो है वो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू दी वन है, और इसको जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो जेड इज इक्वल टू दी ई की पावर आई थीटा लिखेंगे। इस तरीके से सब चेंज हो जाएगा। फिर इसके पोल लिखेंगे टू जेड प्लस वन और जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो जेड इज माइनस वन बाई टू और जेड इज इक्वल टू दी माइनस टू, तो z इज इक्वल टू माइनस टू तो आउटसाइड हो गया क्योंकि इसकी रेडियस वन है, ये बाहर हो गया है, सिर्फ हमको z इज माइनस वन बाई टू पे हमें निकालना है। तो इसका हमने रेसिड्यू निकाला है, आया है माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फोर आई। तो यूजिंग हैंस बाई कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, तो इसका माइनस पाई बाई ट्वेल्व आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर करिएगा, इसका आंसर है माइनस पाई बाई सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। और जिनके पास टाइम है उसको करिए इसको यहीं पे सामने। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए इससे पहले दो न्यूमेरिकल थे, उसमें न्यूमरेटर में ना साइन थीटा ना कॉस थीटा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस थ्री थीटा आ गया है, इसलिए और कॉस थ्री थीटा क्या होता है, यस सर, रियल पावर आई थ्री आई थीटा का, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता तब हमको नहीं करना पड़ता ये, अगर यहीं पे साइन थीटा होता या साइन थ्री थीटा होता न्यूमरेटर में तो इमेजिनरी पार्ट लेते हुए चलते, यहाँ पे यही करना होता है।
बाकी वैसे जैसे इससे पहले दो न्यूमेरिकल किए हैं वैसे करते जाइए, यही इसका मेथड है। आप पूरा देखिए, कहीं पे भी कोई लाइन हो तो पूछ लीजिए। साजिद भाई तुम्हारे अब्दुल्ला भी साथी में है यहाँ। सर सेकंड लाइन में 5+4 नहीं होगा सर? हेलो सर। हाँ पूछिए सर। सेकंड लाइन में 5+4 नहीं होगा? वो तो ठीक है सर। सर आई अपॉन आई नहीं होगा सर? अरे अपॉन आई तो वही चीज ये है कि वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। किससे सर? इवन अपॉन आई बाहर नहीं कर दिया है, देखिए वो आई कांस्टेंट है ना। वन अपॉन आई देखिए कायदे से, थर्ड लाइन में आपने दिखाया है सर, उस लाइन में नहीं दिखाया। थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में ये कांस्टेंट है ना, ये जो आई था यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया है, तो ये कांस्टेंट बाहर चला गया है। कांस्टेंट से थोड़ी नहीं मतलब है, हमें जो इससे पोषण का उत्तर भारी है, उससे मतलब होता है। नहीं सर हम वो नहीं कह रहे सर। सर यहाँ अपान आई नहीं होगा? हेलो सर, अभी आवाज नहीं आ रही। नहीं है
हेलो साहिल भाई। यस आरिफ, इससे पहले वाला क्वेश्चन का मतलब एसएस लिए थे तो दे दो। ठीक है, ग्रुप में देखो। अभी दो, अभी हेलो सर, म्यूट है। नहीं है। सर हैं, माइक नहीं है सर का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का माइक नहीं। हेलो सर, कॉल या मैसेज कर लो सर को व्हाट्सएप। समझ में आया? हेलो जी सर, कोई लाइन? सर ये सर हो गया। अच्छा, ये जो चौथा वाला न्यूमेरिकल है ये आप घर पे करिएगा, इसका आंसर है -5/6। अगर कोई डाउट जैसा ये सर आ गया, अभी आया। हाँ हाँ, तो जैसा ये थर्ड वाला ऐसे ही फोर्थ वाला है, तो ये होमवर्क के लिए है। यस सर। चलिए फिर आगे बताते हैं। अब ये आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का। सर यार, दीवार करवा दी गई, यहीं तक रहने दिए। ठीक ठीक ठीक, कोई बात। चलिए चलिए ठीक, ये नेक्स्ट संडे में पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट संडे में क्या, अब उधर सब खत्म होगा, इसी इसको आप अलग अलग क्लासेस में पढ़ा देंगे हम। yes, क्योंकि अपने से अब संडे को क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए क्योंकि हमें लगता है सैटरडे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह। आखिरी एक क्लास थी, तो ये जो है आपको अलग अलग क्लास में ये हम पढ़ा देंगे। जी सर। ओके सर। थैंक यू सर।